अगर आपको दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं और आपका नंबर -3 -4 के आसपास है और आपका यह सवाल है कि क्या इसको हम लेजर से ठीक करा सकते हैं, तो बिल्कुल लेजर से आप इसको ठीक करा सकते हैं। सिर्फ -3 या -4 ही नहीं, अगर हम -1 से लेकर आगे तक के नंबरों में चलें तो -4 -5 -6 -8 तक के नंबरों को भी आसानी से लेजर टेक्नोलॉजी से ठीक किया जा सकता है। इसमें अलग अलग कंडीशंस रहती हैं, कॉर्निया की थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे के डिसीजंस लिए जाते हैं। तो उसके पहले आपकी आंखों की एक अच्छे से जांच होना बहुत ज़रूरी, जिससे ये पता चले कि आंख कितनी कैपेबल है जिसने में हम उसको लेज़र से नंबर को कम कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर ये प्रोसीजर होगा। बट अगर आपका नंबर नॉर्मल 4 के आसपास है तो ये आसानी से हट सकता है। इसमें जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है लेज़र में, जिसमें कि एसिक, स्माइल, PRK, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजीज हैं, उसके अलावा भी 2 अलग टेक्नोलॉजीज भी रही हैं जो पहले मैंने आपको अपने वीडियोस में बताई हैं, जो काफ़ी महंगी हैं नॉर्मल लेसिक से। उनको आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि कॉन्टूरा विज़न या फिर एपिकॉन्टूरा के नाम से है। अगर आपका ये सवाल है या कन्फ्यूज़न है कि अगर हमारी आंखों में नंबर है तो क्या ये लेसिक से ठीक हो सकता है या नहीं, तो बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई बहुत बड़ा कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, तो फिर चश्मा ही बेटर है। अदरवाइज आप इसको उतारना चाहते हैं और छोड़ना चाहते हैं तो फिर ठीक है, आप इसे करा सकते हैं, बट सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानें और उसके बाद डिसीजन ले लें। तो आपका ये जो सवाल था आज की, मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे बहुत सारे नए अदर टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।